तो ड्राइवर तो वही कहेगा ना जिसके लिए लेशमा ने पैसे दिए उसे। और इन गरीब लोगों से कुछ भी कहलवाना मुश्किल नहीं होता, थोड़े से पैसे दो और ये कुछ भी कह देंगे। फयाज, जिन लड़कों ने तुम लोगों पर हमला करके अलिश्मा बीबी का फोन छीना था, तुमने दोबारा देखा? नहीं जी। और अगर कहीं दोबारा देखो तो पहचान लोगे? नहीं जी, मैं कैसे पहचान सकता हूँ, उन लोगों ने अपने चेहरे छुपा रखे थे। लगता है कि सादान साहब ने सारम साहब के दोस्त के बारे में किसी को नहीं बताया। बताया होता तो बेगम साहबा मुझसे ये बात क्यों पूछती? बस मुझे जुबान बंद ही रखनी चाहिए। परवीन, थैंक यू। सादान आ गए? सदान सर तो अभी तक नहीं आए, लेकिन एक लड़की आई थी आपसे मिलने के लिए। कौन? टीना नाम था उनका, आपका पूछ रही थी तो फिर लिश्बा मैम से मिल के वो चली गई। पहले भी एक दो दफ़ा आई है। लिश्बा की कुछ जानने वाली होगी ना? नहीं जी, वो आपसे ही मिलने आई थी। अरे लिश्बा, कोई आया था क्या? नहीं आंटी। अच्छा परवीन, जी बेबी जी। टीना के बारे में आंटी से कोई जिक्र मत करना। अगर उन्होंने पूछ लिया तो? क्यों पूछेंगी, आंटी तो टीना को जानती तक नहीं है। जी ठीक है। टीना को सारे मैंने सच्चाई इस तरह मसख करके बताई होगी कि मुझे इस वक्त दुनिया की सबसे बदकिरदार लड़की समझ रही है। मुझे टीना से मिलकर उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन नहीं, सारे तो जाने किस किस को मेरे खिलाफ बहकाएगा, फिर किस किस को वजाते दूंगी मैं।